आदाब नाजरे। जेपी दरगाह के नाम से मशहूर जहांगीर पीरान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का यह नज़ारा है जो कि शहर हैदराबाद से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर अकीदतमंद लोग बड़े ही अकीदे से आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये दरगाह शरीफ 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी दरगाह है जहाँ पर लोग अकीदे के साथ आते हैं, जिसका उर्स शरीफ हर साल संक्रांति के पहले जुमेरात को मनाया जाता है, बिल्कुल जो कि इस महीने के 20 तारीख को मुनक़िद होगा, जिसके बिल्कुल करीब ये नज़ारा है वहाँ की दरगाह का कि कचरा और कूड़ा वहाँ पर हर जगह दिखाई दे रहा है। वहाँ पर बुनियादी सहूलतों का भी लोगों को इंतज़ाम नहीं, जिस दरगाह पर इतने ज़्यादा अकीदत से लोग आते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, वहाँ का ये नज़ारा है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही है या ना तवज्जो देने का नतीजा है। बहरहाल जो भी है, इस उर्स शरीफ से पहले दरगाह में तमाम बुनियादी सहूलतों को ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से हमारी गुजारिश रहेगी कि वह इसके ऊपर नज़र डालें, उर्स शरीफ से पहले वहाँ पर तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करें। ये तमाम तर तफसलात हमें बताई है वहाँ के बाशिंदों ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी मज़ीद तफसलात। ब्यूरो रिपोर्ट हैदराबाद दक्कन न्यूज़ के लिए मैं जुनेद बामज। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। मैं दरगाह शरीफ के सामने ठहर के जो है मैं बैठ गया हूँ। तेलंगाना की मशहूर बारगाह जहांगीर पीरान रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि हिंदुस्तान में बड़े बारगाह में नाम आता दरगाह जहांगीर पीरान का। जब तेलंगाना का जो इशू था, जो तेलंगाना की मन्नत थी केसीआर साहब की, इसी बारगाह जहांगीर पीरान रहमतुल्लाह अलैह से जो है तेलंगाना जो मन्नत से हासिल हुआ। इतनी बड़ी बारगाह पे जो है वक्फ की लापरवाही, आज देखिए 18 जनवरी है, गुरुजे मंगल, सिर्फ 2 दिन बाकी है उर्स शरीफ के लिए, लेकिन कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है। ये 2-3 दिन पहले जो हम लोग ऐसी प्रेस वालों के से बुला के जो बैठ गए थे, थोड़ा उसमें हलचल हुई, इमरजेंसी में जो है लाइट वालों को भेजे, यहाँ पे नाफिस काम है वक्फ बोर्ड का, यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है। और जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे ज़ाहरीन का, वो बैतुल खला और तारत का है। यहाँ पे हफ्ते को 40 से 50 हज़ार मेहमान यहाँ पर बारगाह जहांगीर पीरान पे आते। यहाँ पर जो है परवेट जो हाला है, जो न्याज खाने हैं, जो न्याज वाले उतरते हैं उसी के लिए, उनके लिए सहूलत है। लेकिन जो खुली जो पब्लिक आती, तकरीबन जो बसों से, टू व्हीलर से, कारों से जो पब्लिक आती, ये हफ्ते में 20 से 25 हज़ार पब्लिक आती। ये पब्लिक के लिए जो तारत के लिए कोई इंतजाम नहीं है। और यहाँ पे जो वक्फ के जानिब से स्लैब कॉम्प्लेक्स था, ये भी बंद है। इसकी वजह यह है कि वो डेनी लैंड का जो पानी जो है वो जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो भी बंद है। अब जो नया जो है एक आज से 5-6 महीने पहले एक बाथरूम बनाए, वो जो है तालाब के ऊपर बनाए, उसका भी पानी जाने की कोई जो है कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। उर्स शरीफ जो है बिल्कुल करीब है, 2 दिन बाकी रह गया, और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है दूर दूर से पब्लिक आती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर फम यहाँ पे मिलत की आती, क्योंकि बारगाह जहांगीर पीरान जो है मशहूर बारगाह है, दूर दूर से आते ज़ाहरीन, वो तकालीफ का सामना उठाना पड़ता है ज़ाहरीन के लिए। जब बस स्टैंड की जगह है, रात का जब टाइम हो जाता है यहाँ पे, लोग ज़ाहरीन की भी ठहरने की भी काफ़ी तकलीफ है। वहाँ पे बस स्टैंड का प्लेस नहीं है, ना वहाँ लाइट है। जब तो प्लेस ही नहीं है तो लाइट का इंतजाम कहाँ से रहेंगे। ये वक्फ बोर्ड की जो है काफ़ी नाहली है। सलीम साहब चेयरमैन साहब से कई बार हम जो है रिक्वेस्ट करें कि आते हैं उर्स के मौके पे, आते खुल के हरा पहन लेते, मीडिया वाले के सामने आके बोलते थे मैं वैसा करूँ, हमारे पीरियड में ऐसा हुआ, जनाब आली जनाब केजीआर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। केजीआर साहब हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर है, बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना की, लेकिन ये जो हमारे चेयरमैन साहब सीएम साहब को बदनाम कर दे रहे, क्योंकि इतने बड़े जो है बारगाह के जो है मेंटेनेंस पे जो वक्फ की काफ़ी लापरवाही है। आप लोगों से यही मुखातिब होकर बोल रहे हैं, ये काफ़ी लापरवाही है। और एक जो मेन जो बात है वो ये है, दरगाह जहांगीर पीरान का जो सालाना टेंडर होता, ये जो टेंडर है गुज़िश्ता 2 साल पहले 2,36,00,000 रुपये में टेंडर गया, तो उसके बाद में आप लोग सबको मालूम है लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद में जो है पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन था, पूरे हिंदुस्तान में, अपने हिंदू मुल्क में लॉकडाउन था, तेलंगाना में भी लॉकडाउन था। तमाम बारगाह के जितने भी जो है जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सादुल्लाह से बड़ा पहाड़, याकूब शाह।